कभी तो महसूस नहीं हो रही ना, यकीन माने जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है गाने में वैसे वैसे उरू जा रहा है।
शमीम के पुरी कहते हैं, दिल पे क्या गुजरी है कुछ तुमको बताया भी नहीं, किस्सा दर्द अभी मैंने तो छेड़ा ही नहीं, सिर्फ चेहरे की उदासी पे भराए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, भूल भी सकता है तुम्हें। बहुत अच्छा बतला सलीमिया ने पढ़ा, वो मुझे भूल गई भूल गई भूल गई, याद रखता है तो फिर भूल भी सकता है तुम्हें, दिल पे मेरा भी कोई हक है तुम्हारा ही नहीं, दोस्त को दोस्त समझना तो है एक बात शमी, हमने दुश्मन को भी दुश्मन कभी समझा ही नहीं, हमने दुश्मन को भी कभी दुश्मन नहीं समझा भी नहीं। नहीं बेटा नहीं, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग, सजना तोरे रंग में बलमा तोरे रंग में मैंने रंग ली, सीरे चश्मे तर न दिखा दूं तो बात क्या, अरे उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या, उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या, कदा न बना दूं तो बात क्या, इस आलम को मैं कदा न बना दूं तो बात क्या, ये दिल तुम्हारी याद से गाफिल तो हो कभी, इस दिल को खाक में न मिला दूं तो बात क्या, इस दिल को खाक में न मिला दूं तो बात क्या। बेटा
जो हमने पानी पी लिया ना तुम्हें देसी घी भी नसीब नहीं है। सुनो तुम तो गाना सुनो, मुझको किस्मत मुझको किस्मत से शिकवा नहीं, मुझको किस्मत से शिकवा नहीं, मुझको किस्मत से शिकवा नहीं, हर दुआ पे असर हो गई। और ये शेर मेरे जितने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं वो सुने बड़े गौर से। दो दिनों को जुदा कर गई, दो दिनों को जुदा कर गई, एक परदेश की नौकरी। शेर बतौर खास, दो दिनों को जुदा जुदा, दो दिनों को जुदा गई, दो दिनों को जुदा गई, एक परदेश की नौकरी। दो दिनों को जुदा है जुदा कर गई, दो दिनों को जुदा है जुदा कर गई, एक परदेश की नौकरी नौकरी, एक परदेश की नौकरी नौकरी, दो दिनों को जुदा है जुदा कर गई, एक परदेश की नौकरी नौकरी, दो दिनों को जुदा कर गई, एक परदेश की नौकरी। क्यों मैं भी पागल इधर हो गया, पागल इधर हो गया, वो भी पागल उधर हो गया।
का बेटा। तेरा वादा न पूरा हुआ, तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर शहर हो गई। मुझे मालूम है आपकी पसंद की गजल थी पागल मछली नाप रही है सागर कितना गहरा है, मगर कसम खुदा की अगर इनके शेरों में मैं जो गिरा लगाऊंगा ना उसमें मजा नहीं आए ना तो फिर सुनाऊंगा चाहे मुझे कहीं से भी लानी पड़े वो गजल, मगर ये मत ना सुन लो। ओ अरे तेरा वादा ना पूरा हुआ, शहर हो गई मुझको खिड़की में बैठे हुए, मुझको खिड़की में बैठे हुए, मुझको खिड़की में बैठे हुए, आज फिर रात भर हो गई। याद दिला दिया तुम्हारे शेरों पर, जब सलीम मियां पढ़ रहे थे तो मैं एकदम मेरे जहन में आया कि यार ये मजमून तो मैं भी गाता था, आइए सुनाता हूं। क्या ये था तेरा वादा, क्या ये था तेरा वादा, वफा की देवी सरापा हसी अनारकली, वफा की देवी सरापा हसी अनारकली, नजर सलीम से उसकी जो एक बार मिली, नजर मिली तो मोहब्बत ने अपना काम किया, जरा तो देखिए दिल ने दिल में मकाम किया। ये बात इतनी बड़ी सलीमिया, ये बात इतनी बड़ी, फिर ये बात इतनी बड़ी, फिर ये बात इतनी बड़ी, ये बात इतनी बड़ी कि रस्म राह तक पहुंची, महल में गूंजी तो आलम पनाह तक पहुंची, सुनी जो चाहने तेवर बदल गए फौरन, कहा ये गुस्से से उड़वाऊंगा अभी गर्दन, के एक कनीज कहां बादशाह बख्त कहां, सलीम हो गया मजनू तो ताज तख्त कहां, ऐसे अंजाम का आगाज ना होने दूंगा मैं अपने शेख को, बदनाम ना होने दूंगा, बदनाम ना होने दूंगा मैं उसके दामन हस्ती को चाक कर दूंगा, सजा वो दूंगा कि किस्सा ही पाक कर दूंगा, फसाना उसकी वफा का जब निराला है, जहां में अब भी मोहब्बत का बोल वाला है, जहां में मोहब्बत का बोल वाला है, बाबा जंजीर की झनकार से सदाई, Oh,
और सुने। आपको अच्छा तो लग रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना, अब तो सुन ले। क्या ये था तेरा बता तेरा बता तेरा तेरा हल्का बेटा हल्का समाप्त करें। तवज्जो तवज्जो, एक हसीना का वाकया सुनिए। साहिल भाई बड़े गौर से सुनना, ये मेरी मेहनत आपके सामने नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। एक हसीना का वाकया सुनिए हल्का, यानी उल्फत का माजरा सुनिए। हुस्न में उसका कुछ जवाब न था और किरदार भी खराब न था। आंखें उसकी थी जाम के मानिन और जुल्फे थी शाम के मानिन। एक दिन वो जो बाम पर आई, बाम यानी छत पर, एक दिन वो जो बाम पर आई, बादशाह से निगाह टकराई। पीछे शर्मा के हट गई नागा और हसरत में खो गया वो शाह। जाके वापस ये उसने काम किया, अक्त का उसके घर पयाम दिया। अब यहां से तवज्जो चाहूंगा, लिख दिया अखड़ियों पे मरता हूं, जुल्फ की बदलियों पे मरता हूं। बाप बेचारा हो गया मजबूर और रिश्ता भी कर लिया मंजूर। सुन के लड़की ने दिल को थाम लिया, बाद में अक्ल से ये काम किया। अपने नौकर को उसने बुलवा कर एक अच्छा सा थाल मंगवा कर, पहले तो जुल्फ काट कर रख दी, फिर ये आंखें निकाल कर रख दी। क्योंकि बादशाह ने कहा था कि जुल्फ की बदलियों पे मरता हूं, अखड़ियों पे मरता हूं, तो लड़की ने क्या किया, पहले तो जुल्फ काट कर रख दी, फिर ये आंखें निकाल कर रख दी। बोली नौकर से तुम अभी जाओ और ये बादशाह को दे आओ। तोहफा जब शाह को वसूल हुआ, देकर उसका दिल मलूल हुआ। बेतहाशा वो दौड़ कर आया और बोला ये क्या सितम ढाया। शौक उसने यही जवाब दिया, जो तुम्हें था पसंद वो भेज दिया। बतौर खास हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। अहले महफिल से तवज्जो चाहूंगा हुजूर, ये मेरी जिंदगी से, हम सब लोगों की जिंदगी से ताल्लुक रखता है। मैं पहले शेर पढ़ता हूं फिर आपको बताऊंगा। तवज्जो चाहूंगा भाई जन, तवज्जो। मेरे हाथों में कशकोल था, कशकोल यानी मांगने का प्याला, कशकोल बोलते हैं मांगने के प्याले को। भाई बड़े गौर से आप सुनने, बड़ी तवज्जो से सुनने। मगर ये शेर सुनाने से पहले एक वाकया आपको सुनाऊंगा, पहले शेर सुन लीजिए। हमारे अजमेर में एक ऐसा दौर हम लोगों ने गुजारा है, ब्लैक आउट का जमाना था,
चीन और भारत की लड़ाई हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ, ब्लैक आउट का जमाना था, कर्फ्यू नहीं सॉरी ब्लैक आउट, पूरा हिंदुस्तान में अंधेरा। और अजमेर का तो ये हाल था कि दरगाह के अंदर अलावा एक दो फकीर या वो बिजली पानी भरने वाले बस वो रहते थे, सलीम ये हालत थी। तो हम लोगों का ये हाल हुआ क्योंकि हम अजमेर के रहने वाले, अजमेर में पले, अजमेर में बड़े हुए, वहीं कव्वाली सीखी हम, छोटे छोटे हमारे वालिद के साथ गाने जाया करते थे। अगर एक दो रुपया गाने में हमको मिल गया तो हम लोगों ने रोटी पका लिया करते थे, वरना लंगर की बाल्टी लेकर लंगर खाने में जाते, जो का दलिया 12 महीने वहां बनता है गरीब नवाज का लंगर, वो लेके आ जाते, कभी तो उसमें 10 पैसे का गुड़ डाल के उसको मीठा करके हम लोग पी के सो जाते, कभी 10 पैसे का जीरे का बघाड़ देके और मिर्च डालकर उसमें उसको नमकीन दलिया कर लेते, पी लेते महीनों, परसों वो सॉरी परसों नहीं माफी चाहूंगा, महीनों ऐसा चला, 3-3, 4-4 महीने हमने रोटी की शक्ल नहीं देखी, छोटे छोटे हम बहन भाई। तो एक हुसैन सेठ आया करते थे जामनगर के, उनकी महफिल हो रही थी, मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि नईम तुम जाओ यार, हुसैन सेठ की महफिल हो रही है, अगर एक चीज का अपना नंबर वो दे देंगे तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा। मैं गया, मैंने हुसैन सेठ से कहा कि हम कव्वाल हैं, एक चीज का गाना चाहते हैं आपकी महफिल में, अजमेर की बात है, लाखन कोठरी की। वो बोले भाई मेरी तो बड़े बड़े कव्वाल गाते हैं, मगर आप आओ देखता हूं। हम लोग चले गए, सारी रात जानी बाबू गा रहे थे, सलीम जानी बाबू गा रहे थे, और सारी रात मैं पीछे खड़े होके उनको हुसैन सेठ को सलाम करता रहा कि ये देख ले मुझे तो एक चीज का नंबर मेरे को गाने को मिल जाए, मगर उस जालिम ने देखा नहीं मेरी तरफ सारी रात। सुबह के 4 बज गए, हम लोग ढोलक बाजा उठाकर दरगाह में आ गए, दरगाह में हाजिरी दी, 1-2 रुपया मिला, घर चले गए। फिर अल्लाह गरीब नवाज ने जो करम किया, जो उरूज आया शमीम नईम का, जो उरूज आया, जो गरीब नवाज का करम हुआ, तो हम जामनगर पहुंचे, हुसैन सेठ आए, हुसैन सेठ ने आके कहा कि नईम भाई आज तुम आराम करोगे यहाँ, कल तुम्हारा प्रोग्राम है। मैंने जी हाँ, मैं पहचान गया कि ये हुसैन सेठ है। मैंने कहा जी हाँ आज हम आराम करेंगे। तो बोले आज हमारी यहाँ महफिल है 2 घंटे की मेरे दोस्तों की, वो तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में, और ख्वाजा का मलंग सुनना चाहते हैं आपसे, अगर आप सुना दो तो, और मुंह से घुंघरू। मैंने कहा हुसैन भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं आराम करूंगा, कल मेरे को गाना है, मैं नहीं गाऊंगा। तो बोले नहीं भाई मुझे पहचानते तो हो ना, मैं हुसैन सेठ हूँ। मैंने कहा हुसैन सेठ बेशक तुम हुसैन सेठ हो, पहचान गया, एक शेर सुन लो यार, उस वक्त भी शेर कहा था, मेरे हाथों में कश्कोल था, मैं बेकार बेमोल था, लेकिन अब बहुत कीमती हो गया, अब बहुत कीमती हो गया, जब से ख्वाजा की नजर हो गई, अब बहुत कीमती हो गया, जब से ख्वाजा की नजर माँ के नहीं मुझे तो पिताजी के बारे में आता है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनकी माँ आराम से घर में एसी में सो रही है और मेरा ये हाल है। अब मैं क्या माँ की तारीफ करूं इनकी। शेर देखिएगा, मेरे हाथों में कश्कोल था, अहद तोड़े नहीं पैमान नहीं बेचा है, अहद तोड़े नहीं साहिल भाई, अहद तोड़े नहीं पैमान नहीं बेचा है, होश खोए नहीं, आसान नहीं बेचा है,
अरे जिंदगी में कई फाके भी किए हैं लेकिन पेट के वास्ते ईमान नहीं बेचारा। ये गरीबी जिससे लड़ता है सारा जमाना, ये गरीबी जिससे लड़ता है सारा जमाना, अरे कमबख्त मेरे सब्र के टुकड़ों पे। अब बहुत की